हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सिक्स वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सिक्स वीडियो में चैप्टर फाइव के विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर है 1, इसका मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है आयोटा का पावर 18, तो मैं इसे आयोटा के स्क्वायर का पावर 9 ऐसे लिख सकता हूँ। 9 दून 18 हो जाएगा ना। और यहाँ देखो, 1 का पावर 25 तो 1 ही होगा, और आयोटा का पावर 25 आयोटा के स्क्वायर का पावर 12 into आयोटा ऐसे लिख सकता हूँ। 25 ही ना होगा ये, और ऊपर है होल क्यूब इसका। आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर -1, तो -1 का पावर 9 प्लस में 1/2, ये -1 का पावर 12 इंटू में आयोटा, और यहाँ पर है आपका होल क्यूब। सर यहाँ पे देखो, -1 का क्यूब -1 प्लस 1/2, ये प्लस का 1 होगा, यानी कि सिर्फ आयोटा बचेगा, ठीक है, और इसका होल क्यूब। तो यहाँ 1/2 आयोटा का परिमेयकरण कर देंगे, -1 प्लस 1/2 आयोटा इंटू कर देंगे आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी, होल क्यूब है तो होल क्यूब रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो -1 प्लस यहाँ ऊपर आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ नीचे -1 रख सकता हूँ ना, तो -1 प्लस आयोटा बटा में -1 का होल क्यूब। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 प्लस -iota का होल क्यूब। तो यहाँ a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस -iota का क्यूब और +3 -1 का स्क्वायर और इंटू में -1 का स्क्वायर इंटू में -iota और +3 -1 इंटू में -iota का होल स्क्वायर। चलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, a³ + b³ + 3a² + 3ab² तो इसका क्यूब होगा तो -1 और इसका क्यूब होगा तो -iota³। और यहाँ पे देखो क्या होगा, -1 का स्क्वायर + 1 और यहाँ माइनस है, तो -3iota लिख सकते हैं। यहाँ चलो, यहाँ देखो -iota² + iota² का ये प्लस माइनस, तो -3iota² आयोटा का क्यूब का मैंने बता रखा है माइनस का आयोटा होता है, -3iota और -3iota² का वैल्यू -1। तो यहाँ पे -1 प्लस iota -3iota और यहाँ +3, तो यहाँ सॉल्व कर दो, 3 में से 1 गया 2 और आयोटा है और -3iota, तो -2iota, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख